Hi, welcome to my channel System Web Tech. In this video we are going to learn the floor and ceiling Excel formula. इस formula के features ये होते हैं कि ये round कर देता है value को और nearest multiplication देता है. तो formula को apply करने से पहले हम ceiling और floor का मतलब समझते हैं. ceiling और floor का मतलब, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप, ये मेरी एक 5 वैल्यू है, एक फिक्स, मतलब एक मैंने स्टॉप क्लॉज लगा लीजिए, एक वैल्यू ले रखी है जो अगर उससे ऊपर जाती है, जैसे यहाँ पे 6 हो जाती है या फिर 7 ले लेते हैं या 8 ले लेते हैं, यानी इंक्रीमेंट ऑर्डर में अगर 5 से ऊपर की तरफ जाती है वैल्यू 6, 7, 8, 7 और 6, तो ये इंक्रीमेंट जाती है. तो आपका फर्स्ट डिक्रीमेंट आती है 4, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 0. तो ये फ्लोर आएगा, राइट. अगर ऊपर जाती है, इंक्रीज करती है तो सीलिंग, और 5 से नीचे जाती है, डिक्रीज करती है, तो फ्लोर फॉर्मूला. अब इसको हम फॉर्मूले में कैसे अप्लाई करेंगे, सबसे पहले हम फ्लोर फॉर्मूला समझेंगे. तो फ्लोर फॉर्मूला, जैसे कि मैंने बताया, डिक्रीमेंट ऑर्डर में काम करता है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये कुछ एग्जाम्पल के लिए लिया है. मैंने ये मेरी क्वान्टिटी है, प्राइस है, उस पर डिस्काउंट है, तो ये मैंने काउंट किया, अपना क्वांटिटी और प्राइस से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया. उस पर मैंने डिस्काउंट लगा दिया, जो भी डिस्काउंट है हमारी जो प्राइस पे, उस पर इतना डिस्काउंट पड़ा, तो जो डिस्काउंट अब माइनस कर दिया, जो वैल्यू आई है उसमें जो डिस्काउंट है हमने माइनस किया, तो ये आंसर आ गया, फाइनल प्राइस हमारा ये हो गया. तो ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमारी फाइनल प्राइस है. अब इस पे देखते हैं हम फ्लोर फॉर्मूला कैसे लगा सकते हैं. तो फ्लोर फॉर्मूला हमने जैसे कि सीखा कि डिक्रीमेंट ऑर्डर, अब ये जो 108.8 है, इसको हमें डिक्रीमेंट ऑर्डर आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे फ्लोर आपका वन टोटल प्राइस 108.8 है और यूज़र के पास इतने पैसे, वो 108 रुपये दे सकता है, बाकी के वो 80 पैसे नहीं दे पाएगा, उसके पास करेंसी नहीं है, वैल्यू कॉइंस नहीं है. तो आप उस एग्जांपल को लेके भी चल सकते हैं, पर यहाँ पे मकसद जो मोटो है वो फ्लोर और सीलिंग फॉर्मूला समझना है, तो मैं वो लगाना सिखा रही हूँ इस वीडियो में. तो फ्लोर फॉर्मूला हमने क्या किया, हम फ्लोर यूज सेलेक्ट करेंगे. फॉर एग्जांपल, फ्लोर हम फॉर्मूला टाइप करते हैं और सेलेक्ट किया फ्लोर, और अब ये नंबर पूछ रहे हैं, तो नंबर हमारा ये है जिसको हम राउंड ऑफ करना चाहते हैं. अब ये पूछ रहे हैं सिग्निफिकेंस, ये ही थोड़ा समझने वाली बात है. फॉर एग्जाम्पल, मैं सिग्निफिकेंस लेती हूँ 2 नंबर का, तो ये 108 जो 108 और 107 डिक्रीमेंट ऑर्डर पे जाएगा, और जहाँ से 2 नंबर पूरा मल्टीप्लाई हो जाए, ये उसको लाके देगा कि 2 नंबर सेकंड 2 नंबर मल्टीप्लाई भी हो जाए और राउंड ऑफ फिगर भी हो, राउंड ऑफ फिगर भी आए और 2 मल्टीप्लिकेशन भी हो जाए. तो करके देखते हैं, तो जो नियरेस्ट है वो सबसे नियरेस्ट यही है कि 108 रुपये यूज़र दे सकता है, और अगर 107 मल्टीप्लाई नहीं है तो ऐसे ही हम एक बार करते हैं और क्योंकि 3662 का मल्टीप्लाई भी है और वो ही सबसे नियरेस्ट है,
अगर हम इसका 3 ले लेते हैं, 3 करके देखते हैं, जो 3 से भी वैल्यू चली जाए और इसका नियरेस्ट मल्टीप्लिकेशन यही आएगा क्योंकि ये सबसे नियरेस्ट मल्टीप्लिकेशन है, 4 करके देखें तो इसने 364 दे दिया, क्योंकि 366 जो वैल्यू है वो अब 4 से नहीं जा सकती, तो अब ये ऐसी वैल्यू ढूंढेगा जो 4 से भी चले जाए और 366 के सबसे पास हो, डिक्रीमेंट ऑर्डर में जो है 364 4 से कम्प्लीटली मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, राइट तो ये 366 के पास ही आप जितना दे रेंज उसको दे सकते हैं, तो 4 के अंदर ही अंदर 4 सिग्निफिकेंस वैल्यू हो, उसका मल्टीप्लिकेशन हो और उससे पूरा प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन और राउंड फिगर करके आपको दे देगा। अगर नीचे तक लेके जाऊं, आप ये सेलेक्ट कर रखा है 70 का, तो 2 दे रखा है सिग्निफिकेंस, इसलिए इसने 70 दिया क्योंकि 70 ही कंप्लीट मल्टीप्लाई भी है और उसका नियरेस्ट मल्टीप्लिकेशन है। अगर इस पे हम 3 करते हैं तो देखिए 69 आ गया, 69 नियरेस्ट वैल्यू है जो कम्प्लीटली 3 मल्टीप्लाई हो जाएगी, राइट। और ये है, इसको अगर हम 5 कर दें इसका तो 285 दे रहा है। ये वैल्यू जो इस प्रॉपर नंबर से मल्टीप्लाई भी हो और इसका नियरेस्ट रेंज हो 288 का, तो ये वो ही वैल्यू आपको ला के देगा, कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन देगा उसका जो 5 के 288 से 5 नंबर तक, यानी कि 288, 287, 286, 284, 285 एंड 284 नहीं जा सकता 5 का मल्टीप्लाई, लेकिन 285 जा सकता है, इसलिए इसने 285 हमें ला के दिया। यहाँ से 5 का करके देखती हूँ, जो भी 5 का मल्टीप्लीकेशन होगा वो पेमेंट ऑर्डर में आपको दे देगा। मैं फिर ट्रैक किया और देखिए मल्टीपल सारे दिए आपको, तो 5 से डिवाइड हो रहा है और इस नियरेस्ट के पास ही आपको 108 के पास ही जो वैल्यू होगी, जो 108 से हम अगर कम चले 108, 107, 106, 105, राइट, तो 105 पे इसने दिखाया। वही अगर हम 366 का देखें तो 364 भी ले सकता था, लेकिन इसने 364 ना लेके 366 ना लेके 365 लिया, क्योंकि ये 5 का भी मल्टीप्लाई है और 366 के सबसे नियरेस्ट नंबर यही है। तो ये मैंने क्राइटेरिया आपको लिखे थे, तो ये आपको वैल्यू राउंड करके देखा, उसको मल्टीप्लिकेशन करके देखा जो सबसे नियरेस्ट वैल्यू होगी, राइट, जो आप सिग्निफिकेंस में देंगे। अब ऐसे ही हम सीलिंग फॉर्मूला भी देख लेते हैं। सीलिंग फॉर्मूला जैसे कि मैंने आपको बताया था वो इंक्रीमेंट ऑर्डर में काम करेगा। अब 5 भी देते हैं क्योंकि वो अगर या भी जाए 110 इसका नेक्स्ट नंबर है, क्योंकि 110 से 111, 112, 113 ना लेकिन इसमें 110 का नियरेस्ट है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है,
नहीं हो सका, 5 से 72 नहीं हो सकता, 73 नहीं हो सका, 74 नहीं हो सकता, इसलिए इसने 75 लिया। अगर इस सबसे 72 है जो भी कम हो जाए समझ के और फॉर्म के बीच का भी गए वीडियो हमारी वीडियो को और हमारी कोई डाउट हो तो राइट कोई डाउट हो तो आप हमसे जरूर पूछें। यहाँ पे